तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? अगर आप भी खेती की ज़मीन खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम आपको इस वीडियो में पूरी योजना, पूरी प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि अगर आपको लोन कैसे लेना है और आपको लोन को कैसे चुकाना है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और आपको बताएंगे कि किसान को खेती की ज़मीन खरीदने के लिए पात्रता क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, हम आपको इसमें सब चीज़ बताने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि किसानों को खेती की ज़मीन खरीदने के लिए बैंक लोन कैसे मिलेगा। हम आपको इसमें पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमारी बातों को सुनते रहिए। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर रहता है। और ऐसे में जिन किसानों के पास खुद की कृषि भूमि है उनका गुजारा तो कुछ हद तक ठीक से हो जाता है, परंतु जिसके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है उनका क्या होता होगा? ऐसे किसान जो भूमिहीन है वो ज़मीन की बटाई या ठेके पर लेकर खेती करते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी मेहनत का कुछ ज़मीन के मालिक को देना पड़ता है। बाकी जो कृषि कार्य को करने के लिए दवाई, खाद, बीज, पानी, खेत की जुताई और अन्य जगह लग जाता है, ऐसे में उस किसान के हिस्से सर्दी गर्मी और कर्ज के सिवाय कुछ नहीं आता। किसान खेत खरीदने के लिए बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं? तो दोस्तों जो लोग खेती बाड़ी करने के इच्छुक हैं लेकिन उनके न तो खुद की ज़मीन है और ना ही इतने पैसे हैं कि वे खुद की ज़मीन खरीद सके, ऐसे लोगों के लिए SBI की लैंड परचेज स्कीम बेहद उपयुक्त है। इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन मजदूर किसान भी बैंक की सहायता से अब जमीन खरीद सकते हैं और अपना खुद की ज़मीन पर खेती करने का सपना साकार कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चरल लैंड परचेज लोन योजना के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों को भूमि खरीदने की मदद करना है। तो चलिए हम आपको अब बताएंगे कि कौन कर सकता है कृषि भूमि खरीदने के लिए आवेदन, पात्रता क्या होगी। तो दोस्तों चलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए और हम आपको बताएंगे। जो पहले नंबर पर है छोटे एवं सीमांत किसान, जिनके पास 5 एकड़ से कम असिंचित ज़मीन हो, वो किसान जिनके पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित ज़मीन है, भूमिहीन मजदूर भी आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदक के पास बैंक के लोन को कम से कम 2 साल तक का लोन रिपेमेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए। अन्य बैंकों के अच्छे कर्जदार भी इसके लिए पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने अपनी बकायों का परिसमापन समय पर किया हो, यानी जो पहले से बैंक से लोन लिया हो वो उस समय पर अपना लोन को चुका चुका हो, वो भी ज़मीन खरीदने के लिए एलिजिबल है। और हम आपको बता दें कि लोन की रकम कितनी होगी, यानी आपको लोन कितना मिल सकता है। तो चलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। ज़मीन खरीदने के लिए आप बैंक ऋण ले सकते हैं। सिंचाई सुविधा और भूमि विकास के लिए आप SBI बैंक से ऋण ले सकते हैं। भूमि की लागत का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। खेती कार्य में काम आने वाले औजारों की खरीद के लिए पंजीकरण एवं स्टाम्प ड्यूटी के लिए लोन ले सकते हैं आप। और आपको बता दें कि बैंक खरीदी जाने वाली ज़मीन की कीमत का खुद आकलन करेगा और कुल कीमत का 85% लोन के रूप में देगा। अधिकतम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। खरीदी गई ज़मीन बैंक के पास तब तक गिरवी रहेगी जब तक लोन की राशि चुकता नहीं कर दी जाती है। अब आपको बताएंगे कि आपको लोन को कैसे चुकाना है। SBI की वेबसाइट के मुताबिक लोन चुकाने के लिए आपको अधिकतम 9 से 10 साल का वक्त मिलेगा। यह वक्त गेस्टेशन पीरियड बीतने के बाद शुरू होता है, जैसे कि विकसित भूमि के लिए गेस्टेशन पीरियड 1 वर्ष का एवं अविकसित भूमि के मामले में अधिकतम 2 वर्ष का होता है। आप समझते होंगे, अगर आप किसान हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके बारे में आप समझते होंगे।
और आपको बता दें कि ऋण की राशि आपको 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट यानी अर्धवार्षिक किस्तों में जमा करवानी होती है। अब बताएंगे आपको LPS लोन ऋण के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। आपको बता दें कि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नज़दीकी शाखा में संपर्क करें या गांव में आने वाले मार्केटिंग ऑफिसर से बात करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि आप समझ गए होंगे कि आपको खेती की ज़मीन खरीदने के लिए क्या सब करना पड़ता है और क्या सब हम आपको इसमें सारी डिटेल्स से बताएं कि आपको कैसे सब चुकाना होता है, कैसे आप लोन को ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर खेती की ज़मीन खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप नज़दीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा पर जाकर इसका पता ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।